हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। एक वीडियो आ चुकी है जहाँ पर हमने मार्केट का एनालिसिस किया कि कल की डेट में यहाँ पर क्या होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर शेयर में, इस वीडियो में एक शेयर से रिलेटेड जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मदरसन सोमी इंटरनेशनल। हमने इससे पहले हमने बात करी थी एक पर्टिकुलर शेयर की जिसका नाम था मदरसन सोमी का ही वायरिंग से रिलेटेड। यहाँ पर हम देखेंगे तो अच्छे खासे पैसे यहाँ पर बनते हुए नजर आए थे। अब यहाँ पर गिरावट होती हुई मुझे नजर आती है, इसने अपना लो तोड़ दिया तो एक गिरावट होगी, बट हम यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मदरसन सोमी संवर्धन, मदरसन सोमी अब इसका नाम हो गया इंटरनेशनल। ओके, सारा इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड ये काम करती हुई नजर आएगी। तो अब ये शेयर में क्या नजर आता है उससे रिलेटेड बातें करेंगे, जानेंगे सब चीट ईच एंड एवरीथिंग। ओके, और आप इसको देख के कि आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इस शेयर को अगर देखते हैं तो याद रखिए एक बेहतरीन पैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, शॉर्ट टर्म में तो बनता हुआ नजर आ ही रहा है चार्ट पे, बट लॉन्ग टर्म पे यहाँ पर और पैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो वीडियो पे आगे बढ़ेंगे, जानेंगे, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऐड कर लीजिए और के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पे मिले। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल पे खुद की स्टडी करनी है। और ये एक चैनल और है जिसका नाम है ट्रेडिंग डील से, सब्सक्राइब कर लीजिए इसे भी ताकि इस तरीके की वीडियो यहाँ पर भी आपको मिले, सीखे, और जब सीखेंगे तो पैसा ऑटोमेटिकली बनता हुआ नजर आएगा। तो आइए वीडियो की तरफ आगे। तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको इस कंपनी की ग्रोथ पे आपको देख के आपको पता चले कि ये कंपनी छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 8 times, यहाँ पर आप गिनेंगे तो 7 times दिखाएगा, बट 8 times इसने अभी तक 2000 से लेके 2022, मतलब यहाँ पर 22 साल हो गए, 22 साल में 22 बार 8 बार इसने अपने आप को बोनस देते हुए नजर आया लोगों को। तो इसने इतना बोनस दिया है, इस वजह से शेयर आपको यहाँ पर ₹126 पे दिखाई देता है। अदरवाइज ये शेयर की कीमत एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो काफी कुछ होनी चाहिए थी। डिविडेंड की बात करें, ऐसा कोई साल नहीं किया जहाँ पर कंपनी डिविडेंड ना देती हो, हर साल कंपनी डिविडेंड देती नजर आती है। डीमर्जर अभी होता हुआ नजर आया जिसमें से वायरिंग का बिजनेस यहाँ पर बिल्कुल इंडिया का अलग करते हुए नजर आए। इसके अलावा बोनस की बात करें, 2005 दिखा रहा था, 2000 से भी देख लीजिए, यहाँ पर 2000 में भी यहाँ पर बोनस मिलता हुआ नजर आया। तो कंपनी ने लगभग 8 बार बोनस दिया है, तो ए और डिविडेंड देती है, डीमर्जर हुआ है और सब चीज यहाँ पर अच्छा नजर आता हुआ दिखाई देता है। और आने वाले टाइम में ओके, यहाँ पर देखिए कंपनी की फेस वैल्यू भी एक की है। ओके, डीमर्जर यहाँ पर अब बात करें, स्प्लिट तो होने से रहा। कंपनी की बात करें, कंपनी काफी बड़ी है, कंपनी छोटी नहीं है। कंपनी की अगर हम बात करते हैं सेल्स कंपोनेंट ऑटोमोटिव, अगर बात करें ऑटो एंसिलरीज की, एक बेस्ट कंपनी यहाँ पर नजर आती है। ओके, जिसका बिजनेस इंडिया में ही नहीं, ओके, ऑल अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पर फैला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी किस किस काम में यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। इंडियाज लार्जेस्ट एंसिलरी कंपोनेंट कंपनी नजर आती है। वायरिंग हार्नेस का बिजनेस जो अलग हो गया, विजन सिस्टम से रिलेटेड कंपनी काम करती है। मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर प्रोडक्ट्स ये बनाती है, मेटल प्रोडक्ट्स जो उसमें लगते हैं वो ये कंपनी बनाती है। देख सकते हैं क्लचेस फॉर कार, AC, ये सब चीज ये कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है। लार्ज कैप कंपनी है, छोटी कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, सबसे पहली बात। और इसके अलावा यहाँ कंपनी से रिलेटेड और भी कुछ बातें हम जानना चाहे तो यहाँ पर देखेंगे आप कि लगभग ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years, ओके, 2 decades में कंपनी ने लगभग 27 यहाँ पर इन्होंने अभी तक यहाँ पर देखेंगे 27 अलग दूसरी कंपनीज को एक्वायर किया है, एक्विजिशन की है। इसके अलावा आने वाले टाइम में, कमिंग मंथ्स में, यहाँ पर देखिए अभी इनका जो इनके चेयरमैन है सैगल साहब, ओके, उनका यहाँ पर इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने उसमें बताया था कि आने वाले मंथ में यहाँ पर और बहुत सारे एक्विजिशंस यहाँ पर कंपनी करने वाली है। तो ऑल द पास्ट एक्विजिशन हैव बीन ड्रिवन बाय द ऑटोमेकर्स इट काउंट्स एज इट्स कस्टमर्स। तो यहाँ पर इनके जो कस्टमर्स है ना वो खुद कह रहे हैं कि जाइए कंपनी इसको खरीदिए और खरीदिए, जितना चाहे उतना खरीदिए। तो यहाँ पर जब कंपनी का सपोर्ट मिलता है तो ऑब्वियसली बात है कस्टमर्स का सपोर्ट मिलता है, तो चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ती हुई नजर आती है। कंपनी की यहाँ पर देखेंगे इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आती है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस लगभग 41 कंट्रीज में ऑल अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। लगभग 285 प्लांट्स यहाँ पर कंपनी के हैं। यहाँ पर
अच्छा खासा सप्लाई चेन है इन कंपनी का, और थोड़ी सी यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ ये एक्विजिशंस एंड ऑल यहाँ पर कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट है 8,700 करोड़ रुपीज का, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सितंबर 2021 की बात हो रही है। अब यहाँ पर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जान सकते हैं आप मार्केट क्या 56,000 करोड़ के आसपास का है, 57,000 करोड़ कह लीजिए। पी रेशियो की बात करें 63% का यहाँ पर 63 का पी है, इंडस्ट्री का 24 का है, तो अभी भी स्टॉक्स यहाँ पर महंगा है। आरओसी आरओई कुछ खास यहाँ दिखाई नहीं दे रही। डेट टू इक्विटी की बात करें लगभग 69% का डेट है, जो मैंने आपको दिखा दिया कि लगभग कितना डेट यहाँ पर कंपनी के पास है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए हाई 211 का लगाया था, 211 भी नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर डीमर्जर भी होता हुआ दिखाई दिया था। डिविडेंड कंपनी देती है, इंट्रेंसिक वैल्यू वगैरह सब चीज यहाँ पर दे रखी है कंपनी की। कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो एक बार कंपनी के बारे में यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाइएगा, ओके, तो आपको यहाँ पर सब चीज नजर आएगी कि किस किस कंपोनेंट किस तरीके से ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडमिक यहाँ पर खराब होते हुए दिखाई देते, बट जैसे ही सब कुछ छट गया है तो कंपनी अगेन बैक टू बिजनेस हो गई, और इस पिछली बार की जो सेल्स थी वो हाईएस्ट एवर थी, 17,000 करोड़ के आसपास थी। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें 122 करोड़ था, जस्ट बिकॉज कंपनी का जो यहाँ पर इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है 161 करोड़, जो कि यहाँ पर इन्होंने एक्विजिशन ऑल की है। अब यहाँ पर एक्विजिशन से यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई देगा, ओके। बीच में यहाँ पर आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन यहाँ पर टूटती हुई नजर आई थी, तो इस कंपनी का बिजनेस और यहाँ पर यूरोपियन कंट्री में भी ज्यादा है, तो इस वजह से हैम्पर होता हुआ दिखाई दिया था इनका बिजनेस, तो वो ही यहाँ पर इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देता है। बट स्टिल यहाँ पर देखिए कंपनी अच्छे खासे पर एटलीस्ट यहाँ पर प्रॉफिट में है, ओके, और ये प्रॉफिट कभी यहाँ पर अच्छा खासा 1500-1600 करोड़ रुपए 1600 करोड़ के आसपास का यहाँ पर कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ओके। अब जितनी भी ऑटो कंपनीज थी वो तो यहाँ पर धीरे धीरे उभर रही है, ओके। अपने जो 2018 के बाद जब गिरती हुई नजर आई थी आप यहाँ देख सकते हैं, 2018 में सबसे बेहतरीन बिजनेस था, उसके बाद से लगातार गिरावट हुई है, तो ये कंपनी अभी तक यहाँ पर उस बैक टू ट्रैक नहीं आई है, इस वजह से इसे पनिश किया जा रहा है। बट बात की जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरीके के एक्विजिशन है, कंपनी का जिस तरीके से रीच है, कंपनी का जिस तरीके से अगर बात करें क्लाइंट्स है, तो यहाँ पर ये कंपनी लीडिंग है। इसे बिल्कुल भी छोटे अंदाज में लेने की कोई जरूरत नहीं है, कंपनी काफी बड़ी यहाँ पर है। रिजर्व्स की बात करें कंपनी का 20,000 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स है, अब दोबारा कभी भी चाहे तो दोबारा बोनस दे सकती है। बोरिंग की बात करें यहाँ पर कंपनी के पास लगभग 14,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर बोरिंग भी नजर आती है। कंसोलिडेट स्टैंडर्ड लोन की बात करें तो स्टैंड अलोन में लगभग 5,000 करोड़ के आसपास, 5,400 करोड़ के आसपास की है, तो कंपनी के पास पैसा भी अच्छा खासा है। वर्किंग प्रोग्रेस में लगभग 1200-1300 करोड़, इन्वेस्टमेंट देखिए 6,400 करोड़ के आसपास की है, और कैश की बात करें लगभग 5,000 करोड़ रुपीज के आसपास का कैश भी पड़ा है, तो कंपनी कैश रिच है, रिजर्व अच्छा है, बस बोराइंग थोड़ी है ज्यादा है, जिस वजह से हम बात कर रहे हैं तो कंपनी यहाँ पर हर साल लगभग 500-600 करोड़ रुपए इंटरेस्ट दे देते हैं, तो यहाँ पर बोराइंग को चुका देगी तो सीधे यहाँ पर ये 500-600 करोड़ रुपए और एड होते हुए नजर आएंगे, तो कंपनी का बिजनेस दोबारा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर इस चीज को कंपनी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, कंपनी ने अगर इस चीज पर ध्यान दे दिया तो अच्छा खासा यहाँ पर और बिजनेस आएगा। इसके अलावा प्रोमोटर्स की होल्डिंग 68.16 है, यहाँ पर देखिए प्रोमोटर्स यहाँ पर 61 थे अब हो गए 68, तो यहाँ पर खरीदारी हुई है अच्छी खासी प्रमोटर्स ने करी है, और खुद सैगल साहब ने यहाँ पर इस खरीदारी करती हुई नजर आई है, और यहाँ पर सुमितो वायरिंग जो कंपनी थी उन्होंने यहाँ पर थोड़ी बहुत हिस्सेदारी बेची है, श्री सैगल ट्रस्ट कंपनी इनके पास ही है, रेणुका देखिए इनकी इन्हीं के पूरे इन्हीं के पास शेयर है। FIIs और DIIs ने बेचा था, ओके, दोनों ने मिलकर यहाँ पर लगभग अच्छा खासा 6-8-10% के आसपास की हिस्सेदारी बेचे, इसमें 6-7 इन्होंने ले लिया है, और पब्लिक में जाएंगे तो पब्लिक में यहाँ पर 1 मार्च में ही 3.46% की शेयर होल्डिंग सोजित कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर लेते हुए नजर आई है, जहाँ पर इनके बारे में आप जाके पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं ओवरऑल चार्ट पैटर्न की। बिजनेस हमें समझ में आया, कंपनी का शेयर गिरना था, जितना गिरना था गिर लिया, ओके, अच्छा खासा ये करेक्ट हुआ है, लगभग 260-240-250 रुपीज तक ये जाता हुआ नजर आया था। उसके बाद से यहाँ पर डीमर्जर की न्यूज आई, उसके बाद से लगातार यहाँ पर गिरावट है, काफी लोग यहाँ पर भी अटके होंगे, काफी लोग यहाँ भी अटके होंगे, बट कंपनी के ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ तो आपको पता चलेगा कंपनी बीच में अपसाइड डाउन आते रहते हैं, ओके, बट कंपनी बेहतरीन है, कंपनी काफी अच्छी है, आपको इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी ऑल टाइम हाई तक पहुंच गई थी, ओके, यहाँ पर, बट जस्ट बिकॉज ऑफ डीमर्जर और ये सारी न्यूज ये गिरती हुई नजर आई। और दूसरे ऑटो शेयर्स की अगर हम बात करें
ऑटो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर अच्छे खासे वो शेयर भागते हुए नजर आ रहे हैं, बट वो अब खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कंपनी एक राउंडिंग बॉटम बना के चीजें ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर थोड़े बहुत टाइम में मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा बस, और उसमें आपको ये शेयर लगभग 59-60% के रिटर्न तो आपको ये बनते हुए नजर आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बन रहा है तो चीजें ऊपर जाती हुई नजर आएगी और चीजें और ऊपर यहाँ पर इसे ब्रेकआउट भी करेगी, और जिस तरीके से कंपनी के अब रिजल्ट आएंगे धीरे धीरे करके, जिस तरीके के एक्विजिशंस हुए और आगे भी एक्विजिशंस होते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पर चीजें और बेहतर होगी। और यहाँ पर चार्ट की बात करें तो चार्ट में यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट नजर आता है, चार्ट में यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3 ट्रिपल यहाँ पर डब्ल्यू बनता हुआ नजर आ रहा है, और ट्रिपल टॉप का यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ आज नजर आया है, जिसका यहाँ पर टारगेट की बात करूं तो यहाँ से सबसे पहले सीधे 131 से 132 रुपए तक जाता हुआ नजर आता है, और इसे भी अगर इसने क्रॉस कर दिया तो याद रखिए शेयर यहाँ पर 142 और 145 की जर्नी यहाँ पर करेगा, और 145 की जर्नी भी अगर इसने क्रॉस कर दी तो चीजें धीरे धीरे ऊपर जाती हुई नजर आएगी। तो सबसे पहली बात ये हो गई, एक एक टारगेट आपको बता दिए, 132 रुपए के, 140 रुपए के, 145 रुपए के, 180 रुपए के, और सीधे 200 रुपए तक के यहाँ पर टारगेट साफ नजर आते हैं। तो बाय ऑन डिप्स, मैंने आज कुछ शेयर यहाँ पर जब नीचे था तब मैंने यहाँ पर बाइंग की है, मैं ऑलरेडी बायर हूँ। और यहाँ पर एक चीज और दिखाना चाहता हूँ जो एक तरीके से जादुई है, तो देखिए जो मैंने आपको सिखाया है ट्रेंड लाइन किस तरीके से खींचते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर ये पूरी प्लेलिस्ट है, यहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, नीचे यहाँ पर बात करूँ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसमें मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन किस तरीके से खींचते हैं, जाके देख लीजिएगा। तो इस ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है, देखिए मैंने ट्रेंड लाइन खींची, ट्रेंड लाइन खींची तो यहाँ आप देखेंगे कि चीजें यहाँ पर कहाँ रुकती हुई नजर आई, यहाँ पर रुकी, इसके बाद गिरी, इसके बाद यहाँ आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन के नीचे चीजें आई नहीं है, और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे से अगर ऊपर गई है तो यहीं पर ही कहीं रुकती, या तो रुकती हुई नजर आई है या इसे ब्रेकआउट किया, तो ये ही ट्रेंड लाइन का पूरा मतलब होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर आया, यहाँ पर रुका, फिर यहाँ से तेजी हुई, और इस ट्रेंड लाइन को और थोड़ा सा ऊपर खींच लेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर फिर दोबारा पता चलेगी कि चीजें यहाँ से ऊपर जैसे ही गई तो यहाँ पर देखिए फिर अगेन यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन पे आके रुकी है। ओके, और भी आप देखना चाहते हैं जादू तो यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ पर देखिए चीजें दोबारा यहाँ पर ऊपर गई और नीचे आने की कोशिश करी तो इसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर रुकती हुई नजर आई। अब अगर दोबारा यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, ओके, और चीजें ऊपर जाती है और रुकती है तो यहाँ पर ही आके रुकेगी, तो इसी तरीके से धीरे धीरे चीजें यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। अब क्या नजर आता है मुझे, अब नजर आता है कि यहाँ पर चीजें केवल ऊपर जानी है, ब्रेकआउट होने हैं, जितनी भी कंपनीज है दूसरी अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर उनके शेयर्स भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनी है, ऐसी कंपनीज को नहीं छोड़ा करते, थोड़ा बहुत टाइम दिया करते हैं, और शायद ये सेमीकंडक्टर के बिजनेस में भी आने वाली है, और जैसे ये आएगी कंपनी का फ्यूचर काफी अच्छा है। अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में अच्छे खासे पैसे बढ़ाने हैं तो ये एक बेहतरीन कंपनी है, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड और संवर्धन वायर वाला, दोनों बेहतरीन शेयर है, 5 से 10 साल के लिए लेके भूल जाइए, इतने पैसे बनेंगे कि करोड़पति आप बनते हुए नजर आएंगे। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह के वीडियो आपको डेली बेसिस मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।